कितने सवाल आपने अटेंड किए? मैंने किया है 82। बहुत बढ़िया, सवाल अच्छे कर दिए हैं। कितने सही होने की उम्मीद है? पॉलिटिकल सबसे ज्यादा टफ लगा। मैंने 95 सवाल अटेंड किए। अरे भाई साहब, 95 सवाल अटेंड किए, इतना रिस्क आएंगे, आते इतने थे लगभग। 67 सवाल अटेंड किए थे। अच्छा, 67 ही अटेंड किए हैं भाई ने, यानी नाप तोल के किए। 65 से होगा तो संभव है। रेट के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। पॉलिटिकल सवाल ज्यादा थे और जो नॉर्मल पड़ गया था उनमें से नहीं पूछे। अच्छा, अलग थे। हाँ, ऐसे सवाल लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेंगे। रूम में उपस्थिति कितनी थी? 13 उपस्थित थे। 13 लोग ही थे। आप क्या चाहते हो, भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नमस्कार साथियों, आज है 12 फरवरी और आज RPSC द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है। अभी जो GK का पेपर है, GK और एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो पेपर संपन्न हुआ है ग्रुप ए का। तो अभी अभ्यर्थी आ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का पेपर हुआ है, किस प्रकार का पेपर का लेवल वगैरह आ रहा है और अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड किए, वो सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है, कहाँ से हो? मोहनलाल, मैं जालौर से हूँ। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत सुपर क्लास हुआ है। सुपर क्लास। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडर्न लेवल का था, राजस्थान का जो इजी था। अच्छा, कितने सवाल आपने अटेंड किए? मैंने किया है 82। बहुत बढ़िया, सवाल अच्छे कर दिए हैं। कितने सही होने की उम्मीद है? 70+। 70+ सही हो जाएंगे। क्या लगता है, अटेंडेंस कितनी रही है, उपस्थिति? 50% है। उपस्थिति बहुत कम रह रही है, इसका क्या कारण है? इसका मतलब तो अभी रीट का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, बच्चे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, रीट है अभी, एन वक्त पे है। अच्छा, तो जैसे अलग अलग पार्ट में पेपर आया था, कौन सा पार्ट आपको सबसे टफ लगा? मेरे को पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा टफ लगा। पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा भारी थे। एग्जाम का स्तर कैसा था, RS लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? RS तो नहीं था, लेकिन जो शिक्षा विभाग का जो पैटर्न है उसके हिसाब से बढ़िया पेपर था ये। फिर भी क्या कहेंगे, क्वेश्चन का स्तर हैवी कहेंगे या लो कहेंगे? मॉडर्न लेवल का पेपर था। मॉडरेट था। मॉडरेट। और क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान सरकार जिस प्रकार से भर्तियाँ करवा रही है? राजस्थान सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें। बजट 2023 में युवाओं के लिए क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, लेकिन उम्मीद है कि रिवर्स बजट मिलने, रिवर्स में कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम हितेश दवे है सर। कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक है, अच्छा लेवल तो ठीक था। कितने सवाल अटेंड किए? मैंने 95 सवाल अटेंड किया। अरे भाई साहब, 95 सवाल अटेंड किए, इतना रिस्क आएंगे, आते इतने थे लगभग। आते कितने थे, मतलब सही सही? 35 सवाल आ रहे थे। अच्छा, 35 सवाल आ रहे थे, मतलब आपको भारी लगा पेपर काफी? हाँ, लगभग जो पढ़ाई की है बंदे उनके लिए ठीक है। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मैं तो लगभग महीने भर से कर रहा हूँ। क्या लगता है, कितने क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है? अब देखते हैं, लगभग 55 तक तो होने की उम्मीद है। अच्छा, राजस्थान सरकार जिस प्रकार से एग्जाम करवा रही है युवाओं के लिए, बजट वगैरह, उस लेको क्या कहना चाहते हैं? बजट में अभी ऐसी घोषणा तो नहीं हुई है, फिलहाल जो पुरानी है घोषणा वो चल रही है। अच्छा, नया कुछ उम्मीद नहीं मिली? नई उम्मीद अभी तक मिली नहीं है। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है, कहाँ से हो? मनोज कुमार सर। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम ठीक हुआ था। कितने सवाल अटेंड कर लिए? मैंने किए थे 67 सवाल किए थे, अटेंड किए थे। अच्छा, 67 ही अटेंड किए हैं भाई ने, यानी नाप तोल के किए एकदम। हाँ, नाप तोल के। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सवाल ज़्यादा अटेंड हो जाते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग समस्या ये होती है कि इसमें ज़्यादा अटेंड करने से फिर आपको नुकसान होता है। तो उससे आपने इतना बचाव कैसे? सेफ स्कोर होता है वही करना चाहिए, 60-65 लगभग इतना ही रह जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, 60-65 जिसके सही हो जाएंगे उसके सिलेक्शन हो जाएगा इसमें? मतलब इसमें GK में 60-65 से होगा तो संभव है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल थोड़ा कठिन स्तर था, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह ये। अच्छा, सबसे ज़्यादा सवाल कौन से सब्जेक्ट के पूछे गए? सबसे सवाल राजस्थान GK के थे और पॉलिटिकल वगैरह ये सवाल ज़्यादा थे। अच्छा, करंट कितना आया था? करंट में 10-1 सवाल थे। 10-1 सवाल। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन की बात करें? साइकोलॉजी ठीक थी, नॉर्मल थी साइकोलॉजी, जैसे 20 क्वेश्चन थे इसमें। 20 में से कितने अटेंड किए? मैंने 20 में 18 क्वेश्चन अटेंड किए। 18 कर दी, और मुझे लगता है 18 सही है। 18 सही इसमें। साइकोलॉजी का लेवल थोड़ा लो था, बाकी पेपर भारी, बाकी पेपर थोड़ा कठिन था। और क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान सरकार जिस प्रकार से भर्तियां करवा रही, पेपर आउट? राजस्थान सरकार मतलब जो भर्ती है तो बहुत इसमें कर रही है, और जो ये पेपर आउट का हो रहा है इसमें थोड़ा हम कंट्रोल होना चाहिए। रीट को लेके कैसी तैयारी है आपकी? रीट के लेके बहुत अच्छी तैयारी है। बढ़िया तैयारी है, बहुत शानदार। धन्यवाद। साथी है जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम शाहबाज खान है, लूनी से आया हूँ। लूनी से। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम लेवल अच्छा था। 58 के पास क्वेश्चन अटेंड किया मैंने। अच्छा, ओनली 58 अटेंड किए? 58 ही। बहुत संयम रखा, मतलब पिछली बार मैंने जो 21 दिसंबर वाला एग्जाम था उसमें 82 सवाल अटेंड किए थे। अच्छा, उसमें घर जाके मिला है तो 22 नाम गलत निकला, गलत हो गए थे, इसलिए इस बार ज़्यादा अटेंड नहीं किए। ज़्यादा अटेंड नहीं किए भाई ने।
कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? पॉलिटी। पॉलिटी टफ लगा? पॉलिटी के सवाल भी ज़्यादा पूछे गए? पॉलिटी के सवाल ज़्यादा थे और जो नॉर्मल पढ़ गया था उनमें से नहीं पूछे। अच्छा, अलग थे। हाँ, ऐसे सवाल लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, ऐसे सवाल थे। कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए थे, इस बार ही देखने को मिले? हाँ, पॉलिटिक्स सवाल थे कुछ, दो तीन सवाल ऐसे जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में 21 दिसंबर को पूछा गए थे 1935 एक्ट में से, उस हिसाब से दो तीन सवाल थे इस बार। जैसे हर एग्जाम में 4-5 सवाल बिल्कुल नॉर्मल पूछे जाते हैं, सरल, वैसे भी पूछे गए थे? वैसे भी पूछे गए, जो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, जैसे कि। अच्छा, हिस्ट्री के सवाल कैसे आए थे? हिस्ट्री के सवाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छे सवाल थे। हिस्ट्री वगैरह लेवल अच्छा था, हिस्ट्री का बढ़िया था। बढ़िया था। और एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपने कितने अटेंड? मैंने 6 से 7 अटेंड किए उसमें से। 6-7 अटेंड किए, बस। क्यों, इसका क्या कारण था? पिछली बार मेरे साइकोलॉजी काफ़ी गलत हो गए थे। अच्छा, इसलिए साइकोलॉजी में लगता है सही है पर गलत हो जाता है। जी बिल्कुल। अपन बात लगता है अच्छा है, हो जाएगा, लेकिन घर जाके चेक करते जब गलत निकलता है। जी बिल्कुल। अब आंसर की आगे रीट की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? मैं सेकंड ग्रेड ही कर रहा था प्रॉपर। रीट की नहीं कर रहा? रीट की नहीं। रीट दोगे या नहीं दोगे? रीट दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तैयारी नहीं कर रहा? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से योजनाएं वगैरह तैयार नहीं है मेरे। जी बिल्कुल। और भी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मुकेश सोजा सिटी से। कितने सवाल अटेंड कर लिए? अटेम्प्ट तो 80 किए। 80 अटेंड किए, कितने सही होने की उम्मीद है? लगभग 60%। जब प्रथम दृष्टया कितने सवाल आपको ऐसे लगे थे कि भाई इतने में आ रहे हैं मेरे को इसमें? करीबन 55 तक। तैयारी कब से कर रहे हो? तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी कैसे चल रही है आपकी? अभी अच्छी चल रही थी। घर पे कर रहे हो? नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन करके थी घर पे, स्टडी चल रही। रीट की तैयारी भी कर रहे हो? हाँ, साथ में भी चल रही है। अच्छा, प्रश्नों का लेवल क्या बताओगे? स्त्री था इस बार पेपर, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसके तुलना में स्त्री था। अच्छा, जो सामान्य सेकंड ग्रेड भर्ती थी उससे भी ये संस्कृत वाला भारी आया पेपर? तब था पेपर, इस तब पेपर आ रहा। आरएस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, इतना तो भी नहीं था, फिर भी थोड़ा टफ, साधारण क्वेश्चन नहीं थे, साधारण नहीं थे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार जिस प्रकार से भर्तियाँ करवा रही है फिलहाल अच्छी है, लेकिन थोड़ा और वैकेंसी इस बार बजट में हो जाए। सेकंड ग्रेड भर्ती हुई, पिछली भर्ती जो अभी संपन्न हुई है उसको आउट, पेपर आउट भी हो गए थे, आप क्या चाहते हो, भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, फिलहाल हमारा तो जो पेपर हुआ था वो आउट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जो 30 सिपाही का था वो आउट हुआ था। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके नतीजे कैसे रहेंगे आपको क्या लगता है? अब वो तो वक्त ही बताएगा, आप कुछ नहीं कह सकते। बदलाव होगा क्या? बदलाव नहीं, वो जनता जनार्दन है, उसका कुछ नहीं कह सकते। युवा युवा कहाँ है, युवा किधर है? युवा फिलहाल बेरोजगार के राह में दौड़ रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, कहाँ से हो? सादड़ी। सादड़ी सिरोही? नहीं, ये अपने पाली डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन राणा पाली में एग्जाम सेंटर नहीं है क्या? पाली में, लेकिन जोधपुर संभाग में सब हो रहा है, संभाग लेवल पे हो रहा है। अच्छा, आपके रूम में उपस्थिति कितनी थी? 13 उपस्थित थे। 13 लोग ही थे? नहीं, 26 से होता है टोटल, 24 ठीक है, 24 में से 13 लोग, यानी लगभग हर रूम की स्थिति हो रही है, 50% लोग यार, 50% ही लोग यार। क्या कारण है, इतने कम लोग कैसे आ रहे? हो सकता है कि अब शादी की सीजन चल रही है, या हो सकता है समांग के स्तर पर लंबा दे रखा है, नहीं पहुँच पा रहे इसलिए नहीं आए, या उनकी और दूसरी जैसे रीट अभी थर्ड ग्रेड है उसकी तैयारी में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उस कारण से लोगों को लगेगा 2 दिन आना जाना, उस हिसाब से वो भी टाइम खराब नहीं हो, ज़्यादा तैयारी थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तो बहुत कम कर रहे हैं। तो अभी आपका जीके का एग्जाम था, और कौन से सब्जेक्ट का दे रहे हो? SST। SST हिंदी का नहीं दे रहे हो? हिंदी भी है साथ में, हिंदी और SST। कब है हिंदी और SST का एग्जाम? कल है हिंदी और SST का एग्जाम कल होने वाले हैं, आज जीके का एग्जाम हो गया, तो मतलब आज भी आपको जोधपुर में रुकना पड़ेगा? बिल्कुल, जोधपुर में रुकना। पेपर की सुरक्षा कैसी थी, पैकिंग वगैरह? वो बेहतर थी और सब सेफ था। सेफ था बिल्कुल। और एग्जाम सेंटर पे कैसी सुविधाएं मिली आपको? ठीक है, जो साधन होनी चाहिए वो सर थी, ठीक थी, कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी वगैरह कुछ नहीं हुई। और रेट की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, अभी उनका एग्जाम तो है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगे हुए थे। बिल्कुल ज़्यादा लगे हुए थे। और क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि थोड़ा सरकार जो मतलब ये रीट किया, मतलब जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, जो सरकार इनके तरफ से मतलब बच्चों के जो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाए, और जो मतलब इनके प्रति वो है जो लापरवाह लोग, उनके प्रति सख्ती बरती जाए, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो कि हम जैसे जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब ये कि ये परीक्षा कैंसिल होगी, वो परीक्षा कैंसिल होगी, तो हम क्या करेंगे फिर? हम तो मतलब सिर्फ पढ़े में लगे रहेंगे, तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति और भी डाउन हो जाए। काफ़ी ऐसे बच्चे है जो मतलब खुद अपने मतलब लोगों से लोन लेके या पैसे लेके तैयारी करे, 2-2 साल 3-3 साल से बैठे। अब जैसे मैंने भी अगले साल रीट अच्छा किया था, उसमें मेरे 125 नंबर करीब थे, और फिर ये उन्होंने कैंसिल कर ली, तो अब 1 साल तो मेरा तो गया। अब जो मेरी उम्र के जो लड़के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो वहीं का भाई, तो
तो इसे जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट जॉब या जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो एक साल उनसे पीछे चला हूं। लॉकडाउन के बाद में जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, जो सेकंड लेवल वाले हैं, वो सब बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। हो सकता है क्या पता कि ये भी कुछ हो जाए लापरवाही में, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ये लापरवाह है उनके प्रति इतनी सख्ती बढ़ती जाए कि फ्यूचर में वो कभी ऐसा सोचे भी नहीं कि मतलब हम हमारे जैसे या और भी जो लोग हैं जो कभी उनके साथ ऐसा नहीं हो, और जो लापरवाह प्रशासन उनके प्रति सख्ती बढ़ती जाए। साथियों, ये था जो आज 12 फरवरी के दिन में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर हुआ है ग्रुप ए वालों के लिए, और ग्रुप बी है उसका एग्जाम अभी होने वाला है सेकंड पारी के अंदर, उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित भी होगा। इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।